बहुत ही गलत तरीका है। कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस माई सेल्फ से नहीं कराना चाहिए कि माई सेल्फ और फिर उसके बाद अपना नाम बोलते, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें टेस्ट देते हैं टीचर्स, टेस्ट देते हैं इंस्ट्रक्टर्स, टेस्ट देते हैं देने वाले, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट लेते हैं। तो इसी को वेलकम है जी मेरे चैनल पे आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। यहाँ तो गुड़गांव में ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और दिन बोलते ना दिन प्रतिदिन इसकी तो तरक्की हो रही है ठंड की यहाँ पे। एनीवे आप लोग भी अपने आप को अच्छे से कवर्ड रखिए। तो आज मैंने सोचा मैं घर में ही बैठ करके कुछ आपसे बातें करती हूँ, और कुछ वैसे ही एक मैं थोड़ा सा एजुकेटिव सा व्लॉग बनाना चाहती हूँ आज। एजुकेटिव भी इस सेंस में कि ये सबको सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इतना मैं बता दूं कि ये व्लॉग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। तो जो चाहते हैं कि किसी से भी लर्न करना चाहते हैं, कुछ भी अगर उनको लर्न करने को मिले वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं, ये व्लॉग उन लोगों के लिए है। और ख़ास करके जो मैंने एक्चुअली जो मेरी ये यूट्यूब जर्नी हो रही है, मैंने तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शुरू करके, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अपने रूरल सेक्टर में गांव वाँव वगैरह में लोग बहुत देख रहे हैं यूट्यूब। और थोड़ा सा मैं कुछ इंग्लिश के बारे में बताऊंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी और इस टाइप से बताऊंगी कि जो उन लोगों को तो बहुत ही बेनिफिट होगा, मगर जो अपने शहरों में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी ये सुनना मेरा आज का व्लॉग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कितनी भी एजुकेशन हो लेकिन कई लोगों को ये बातें नहीं पता होती हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैंने बहुत बहुत जगह काम किया हुआ है, वो मैं किसी दिन अलग से व्लॉग में बताऊँगी, वो मैं अलग से कोई व्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो बाय एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, और कुछ इन डेप्थ नॉलेज है इन चीज़ों की, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, इन गांव वगैरह में तो बोलते ही हैं ऐसे ज़्यादातर, लेकिन शहरों में भी मैंने देखा है कि लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस जब कराने के लिए बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, माई सेल्फ, जैसे बोलेंगे माई सेल्फ सच एंड सच, मतलब जैसे कोई नाम मैं बताती हूँ, जैसे चलो माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ राजेश, ये तो माई सेल्फ कुछ नहीं होता है। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप कोई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, करवाता है, करता है लोगों के बीच में, तो जो ये वर्ड है माई सेल्फ यूज़ करना एक बहुत ही गलत तरीका है। कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस माई सेल्फ से नहीं कराना चाहिए कि माई सेल्फ और फिर उसके बाद अपना नाम बोलते, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमेशा जब भी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है तो आपने सिंपली बोलना है हाय आई एम सारिका, या आई एम सारिका, या आई एम दिस, जो भी आपका नाम है, मतलब आई एम करके बोल दो, या दिस इज़ करके बोल दो, दिस इज़ वैभव, दिस इज़ सौरभ, जो भी बोलना है आपको इस टाइप से बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे बोलना कि माई सेल्फ सौरभ गलत हो जाएगा बिल्कुल, माई सेल्फ गौरव गलत हो जाएगा बिल्कुल, तो इस टाइप से बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो वो नहीं बोलते ऐसे कभी भी। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, और स्पेशली जो रूरल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि वो लोग इस तरीके से काफ़ी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि शहरों में नहीं बोलते, शहरों में भी ऐसा ही बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। चलिए एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा मैं आपको एक ये आज पॉइंट बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग इस सेंटेंस को गलत ही बोलते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कि आप लोग एक बात बताइए कि हम लोग जब टेस्ट कोई भी एग्ज़ाम हम एग्ज़ाम लिखते हैं, जब कोई भी एग्ज़ाम लिखते हैं या कोई भी टेस्ट लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें,
हम एग्जाम लेते हैं कि हम एग्जाम देते हैं? हम क्या करते हैं? कॉमन सेंस से बोलना, हम एग्जाम कभी भी देते नहीं हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम हमेशा लेते हैं। किससे लेते हैं? अपने टीचर से लेते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से लेते हैं, किसी से भी लेते हैं। लेकिन आप टेस्ट किसी से लेते हो, आप किसी एज अ स्टूडेंट आप किसी को टेस्ट देते नहीं हो। ठीक है, टेस्ट देते हैं टीचर्स, टेस्ट देते हैं इंस्ट्रक्टर्स, टेस्ट देते हैं देने वाले, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट लेते हैं। तो इसी को आप ध्यान में रखते हुए हमेशा ये सोचना है कि स्टूडेंट्स ऑलवेज टेक द टेस्ट एंड टीचर्स ऑलवेज गिव द टेस्ट। ये आपको ध्यान में रहेगा हमेशा कि स्टूडेंट्स ऑलवेज टेक द टेस्ट एंड टीचर्स ऑलवेज गिव द टेस्ट। ये 90% लोग जो मेरे कॉन्टैक्ट में अभी तक आए हैं सब गलत बोलते हैं। सब ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं, मैम व्हेन विल यू टेक द टेस्ट? मैम टेस्ट नहीं टेक करेंगी भैया, मैम तो टेस्ट देंगी, गिव करेंगी, गिव। मैम विल गिव यू अ टेस्ट एंड यू विल टेक द टेस्ट। ओके, नहीं तो अब से अपनी मैम को ये मत बोलना कि मैम व्हेन विल यू टेक द टेस्ट। मैम को हमेशा ये बोलना, मैम व्हेन विल यू गिव अस द टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान में रखना, और ये है करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं या बोर हो रहे हो? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस को ये बात पता थी और किस किस को ये बात नहीं पता थी। ज़रूर बताना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं कोई इतनी, आई एम नॉट गेटिंग एनी यंगर बाय द वे, तो मैं भी रोज़ किसी ना किसी से कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। इट इज़ ऑलवेज गुड टू लर्न थिंग्स, इट इज़ ऑलवेज गुड टू लर्न समथिंग और द अदर एवरी डे, दैट इज़ हाउ यू ग्रो इन लाइफ, राइट? तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये पता है। और जो भी माई सेल्फ बोल करके इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को, वो भी ज़रूर बताएं कि हाँ मैं भी ऐसा करता था या करती थी, लेकिन आपका व्लॉग देख करके मुझे पता लगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बहुत खुश होऊंगी। और आगे ज़रूर आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आगे आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं ये जो मैं ऐसे व्लॉग्स डालूंगी उनकी प्लेलिस्ट में मैं एजुकेशनल करके मैं डालूंगी। तो जिसको सिर्फ यही व्लॉग देखने में इंटरेस्ट है, तो ये एजुकेशन वाले व्लॉग देखने में इंटरेस्ट है, तो वो आप सीधा उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और आप ये सब देख सकते हैं इस टाइप के। और जिनको मेरा टेंपल्स वाले में इंटरेस्ट है वो टेंपल की प्लेलिस्ट खोल के देख लें। जिनको मेरा लाइफस्टाइल व्लॉग्स में इंटरेस्ट है, दूसरे की भाई मैं कहाँ जा रही हूँ क्या है, वो वैसे व्लॉग्स देख लें। तो आप लोग के पास अलग अलग प्लेलिस्ट होगी। और जिनको काउंसलिंग एंड मोटिवेशन में इंटरेस्ट है वो भी मैं डालती हूँ। तो आप लोगों को काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ें देखने को मेरे चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट्स कीजिए, ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा व्लॉग्स बनाने में, अदरवाइज मैं बड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि कोई देखता नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं बनाऊँगी, फिर भी मैं बनाती हूँ इस उम्मीद से कि कभी ना कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि लोग बैठ करके उसको बहुत अच्छे से पूरा पूरा व्लॉग देखें। चलो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं ऐसे बनाती रहूँगी। अभी आज मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, एक दिन बैठ करके कुछ और बताऊंगी। तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में जो जो आता है मैं वो बताती जाऊँगी। बाय।